हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की डिस्कशन में हम आपके साथ शेयर करेंगे 3 कैमरा टेक्निक इन मूवी हॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहली टेक्निक में क्या करना है, आपने मॉडल को पोस्टर के साइड में खड़ा कर दो। वो कोई सा भी पोस्टर हो सकता है, लाइक मैं अभी लेटेस्ट RRR मूवी देख के आया हूँ, तो मैं उस पोस्टर के साइड में मॉडल को खड़ा कर देता हूँ और उसका जो फेस होगा टूवर्स पोस्टर की तरफ होगा। सो देन मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा टेक फॉरवर्ड जाऊँगा उसके, एंड देन वहाँ से मैं मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रख के बिल्कुल वॉल की तरफ रखूंगा, एंड देन फास्टली मैं बैकवर्ड की तरफ जाऊंगा एंड मॉडल को कहूंगा कि मेरे कैमरे की तरफ देखे, जिससे जो शूट होगा वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आएगा। अभी मैं आपको जरा दिखाता हूं कैसा आ रहा है वो शूट। सो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड टेक्निक। सेकंड टेक्निक में बेसिकली क्या होने वाला है, वो बेसिकली ये होने वाला है कि अब हम सीन चेंज करेंगे, मोड चेंज करेंगे, फ्रेमिंग चेंज करेंगे, किसके थ्रू? इसके थ्रू, सही समझे। सो अब गाइस, हम ट्रांजिशन दिखाएंगे, कट टू कट करेंगे और ऐसे करते करते हम अपने सीन्स को चेंज करते रहेंगे। तो ये सीन मैंने अभी प्लान किया था, तो मैं अभी आपको जरा विजुअली दिखाता हूं कि कैसा लग रहा है। तो गाइस, अब हम चलते हैं अपनी थर्ड टेक्निक में। इस टेक्निक में क्या करेंगे, इस टेक्निक में हम मॉडल को मूवी सिनेमा हॉल वहां पे हम बीच में खड़ा कर देंगे, एंड देन हम इधर रोटेटिंग रिवॉल्विंग शॉट लेंगे, जिसमें मैं टूवर्ड्स मॉडल की तरफ जाऊंगा एंड रोटेट करके रिवॉल्व करके देन मैं बैकवर्ड्स धीरे धीरे करके मैं पीछे की तरफ जाता रहूंगा। तो ये मैंने सीन प्लान किया था, जो कि इमीडिएट पर्पज पर मैंने प्लान किया था। तो गाइस, आप देखिए और बताइए ये सीन कैसा लग रहा है आपको। तो गाइस, आपको ये सीन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और फिलहाल गाइस इसी के साथ हम यहाँ पे टाइम लैप्स भी शूट कर सकते हैं। आप कुछ अगर अच्छे बीट के साथ, अच्छे म्यूजिक के साथ जब टाइम लैप्स आता है तो मज़ा ही आ जाता है। तो गाइस, यही कुछ टेक्निक थी जो आप मूवी हॉल में अच्छे से शूट कर सकते हैं। आपको गाइस ये टेक्निक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।